बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है जी। लेक्चर नंबर 4 से पहले आपको पता है कि हमने 3 लेक्चर हमारे हुए हैं। सबसे पहला हमारा करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल, दूसरा हुआ था एक्टिव एंड पैसिव वाइज, और तीसरा हमने लिया था जी नरेशन, मीन के आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और चौथा लेक्चर आज हमारा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे ये टॉपिक सारा ब्रीफली पढ़ेंगे आज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान सा टॉपिक होता है, कदर आसान इसको समझा जाता है, बड़ा ही मज़े का टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा। इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि इसके नाम से ही जा रहा है कि आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपने वर्ब यूज़ करनी होती है। जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपने सेंटेंस में वर्ब यूज़ करनी होती है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आपने किस तरह से यूज़ करनी होती है, इसके कुछ दो चार रूल्स होते हैं। ये रूल्स ही आपने बार बार फॉलो करने होते हैं, आपका यहीं से एरर आता है और यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है PPSC और FPSC में। तो इसके कुछ रूल जो बेसिक हैं, सबसे पहले आपके पास जो सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट या तो आपके पास नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या आपके पास जीरेंड हो सकता है। ये तीन चीज़ें ही सिर्फ आपकी सब्जेक्ट बन सकती हैं, इसमें नाउन हो, प्रोनाउन हो, या जीरेंड हो। उसके बाद आपके पास वर्ब हैज एग्रीमेंट विद ओनली सब्जेक्ट, जो आपके पास वर्ब है ना, वर्ब का एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के साथ होता है। आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी किस्म की वर्ब में चेंजिंग नहीं करनी होती। वर्ब में जो चेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट की वजह से ही होती है। ये सारी चीज़ें अभी डिटेल से एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जी सिंगुलर सब्जेक्ट एग्री सिंगुलर वर्ब, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। प्लूरल वर्ब एग्रीज विद प्लूरल सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। अब सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट की क्या निशानी होती है, और उसके बाद आपके पास जो वर्ब है वर्ब आपकी सिंगुलर कब होती है, और आपके पास सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब की निशानी क्या होती है, और आपने कैसे कैसे यूज़ करना होता है, यही सिर्फ आपने चीज़ याद करनी है। तो बेसिकली जो चीज़ आपके पास है वो यही है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो आपकी वर्ब भी आपके पास सिंगल आएगी, अगर आपके पास सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपके पास जो वर्ब है वो भी आपके पास प्लूरल ही यूज़ होगी। अब ये कुछ रूल्स हैं और हम बात कर लेते हैं जी। आपके पास सबसे पहले जी सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपके पास होना है। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास है आई, ही, शी और इट, ये आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपके पास आई नज़र आ जाए, ही नज़र आ जाए, शी नज़र आ जाए या इट नज़र आ जाए, तो समझे आपके पास सब्जेक्ट क्या है जी, आपके पास है, ये आपके पास सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर उनके साथ जो वर्ब्स है ना, इज, एम, वाज, वर, वाज, हैज, वर नहीं, वाज, हैज, डज और राइट्स, ठीक है। राइट्स का क्या मतलब है, किसी भी वर्ब के साथ जब एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, वो क्या, सिंगुलर वर्ब बन जाती है, ठीक है जी। आपके पास अगर ये आपके पास है ना जी, ये राइट है ना, तो राइट, ये अगर राइट लिखा होगा तो राइट आपके पास ये प्लूरल वर्ब है, अगर इसमें आप एस का इजाफा कर देते हैं तो राइट्स लिखते हैं, तो फिर आपके पास ये क्या है जी, ये आपके पास प्लूरल बन गई है। ये आपके जैसे लिखा था ना, प्ले, प्ले लिखेंगे तो आपके पास ये प्ले आपके पास प्लूरल वर्ब है, अगर प्ले के साथ हम एस का इजाफा करते हैं, प्लेज लिखते हैं, तो फिर ये आपके पास सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो अगर पीछे आपके पास जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर होगा तो आपने वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करनी है। उसके बाद जो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब आपके पास आई, वी, यू और दे, ये आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसके लिए आपने वर्ब यूज़ करनी होती है आर, वर, हैव, डू और राइट, ठीक है। राइट मीन के आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको जो बात क्लियर करनी थी, जो आपका पेपर में क्वेश्चन बनता है, ये लंबी चौड़ी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है, आपने को एमए इंग्लिश के पेपर नहीं देने हैं, ना ही को लिंग्विस्टिक की क्लास पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपने FPSC और PPSC के अकॉर्डिंग आपको ये आई दोनों जगह पर नज़र आ रहा होगा। आई आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट में भी नज़र आ रहा होगा और प्लूरल सब्जेक्ट में भी नज़र आ रहा होगा। तो जो आई होता है, आई आपका एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज़ होता है और प्लूरल भी यूज होता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ये आपने देख लेना है। अगर आई के साथ एम लिख रहा हो ना, तो ये आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर आई के साथ एम आता है, ठीक है जी, और आई के साथ वाज आता है। ये आई, एम और वाज के लिए आई जो है आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। आई के साथ आप वर नहीं लगाएंगे, वर आपको पता है प्लूरल के लिए यूज होता है ना ज़्यादा लोगों के लिए, तो आई के साथ आप वाज लगाएंगे या एम लगाएंगे। इसके अलावा जो है ना, आपके पास जो ना हैज़ हैव की शक्ल में आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ हैव लगता है, यहाँ पे आई आपका क्या होता है जी, एज ए अपना प्लूरल सब्जेक्ट ये अपना जो वर्क कर रहा होता है ये, अगर और उसके बाद आई के साथ डू ये गलत होता है, डू नहीं लगेगा, डज लगेगा, यहाँ पे भी आपके पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद आई के साथ जो है ना, किसी भी फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा आई के साथ आप नहीं लगाएंगे, उसमें सिर्फ इसको बतौर प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आई है ना, आई की मुख्तलिफ आपके पास जो जो ना इसमें ये जो यूजेस होते हैं, और आम तौर पे आपका जो आपका
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, उसमें क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, यही आई से ही बन जाता है। तो यही आपने बात करनी है, आई के एक्सेप्शनल केसेस हैं, आई के साथ एम, आई के साथ वाज, आई के साथ हैव, आई के साथ डू। हैज करेंगे गलत हो जाएगा, आई के साथ डज भी गलत हो जाएगा, और आई के साथ आपने किसी भी आपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना है। आपको पता है ना प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर के लिए एस या एस का इजाफा करके उसमें वर्ब यूज़ करते हैं, और प्लूरल के लिए हम एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। तो अब जब इस तरह का केस आएगा तो आपको आई के साथ अगर आपको लगानी पड़ी वर्ब तो आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना है। ये आपने बात याद करनी है, आई के आपने करेक्ट कौन कौन से और रॉन्ग कौन कौन से ये मैंने सारे आपके लिख दिए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद आपके पास है जी एडिशन ऑफ सब्जेक्ट्स, एडिशन ऑफ सब्जेक्ट्स। अगर सब्जेक्ट्स आपके जो है ना ये ऐड हो जाएं, सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएं, जैसे असलम एंड अकरम। अब देखें असलम और अकरम दोनों मिलकर ये दो बंदे बन गए, ये आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। अब आप इसके साथ जो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे द पॉलिटिशियन एंड हिज सन, अब देखें पॉलिटिशियन और उसका बेटा दो बंदे हो गए ना, ठीक है जी। अब यहाँ पे वांट लगाएंगे, वांट से नहीं लगाएंगे, वांट से नहीं लगाएंगे, वांट लगाएंगे, क्योंकि अगर एस या एस का इजाफा करते हैं तो फिर सिंगुलर आपकी जो जो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर बन जाती है। तो आप एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे अगर पीछे आपके पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, ठीक है जी। उसके बाद राइस एंड दाल आर माई फेवरेट डिश, ये आपके पास गलत है, ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है। राइस एंड दाल जो है ना जी, राइस एंड दाल, जब आप राइस मीन के दाल और चावल को मिलाते हैं तो आपके पास सिंगल डिश बनती है। राइस एंड आपके पास जो दाल है ना, दाल और चावल आपके पास जो है ना वो बटर एंड पनीर वगैरह इस तरह के पूछता है वो, तो ये डिश का नाम होता है, ये सिंगल डिश होती है। इसके में आर नहीं करेंगे आप, इसमें इज लगाएंगे, राइस एंड दाल इज माय फेवरेट डिश, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट है जी द ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड एंड बटर आर नहीं है, ब्रेड एंड बटर इज होता है, ये भी एक ही डिश का नाम है, ठीक है, समझ आ गई है जी। उसके बाद आपके पास है जी, उसके बाद जी ब्रेड एंड बटर इज मेड फ्रॉम वीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली। आप देखें ये क्या है जी, आप देखें ऊपर क्या रहा था, ऊपर ब्रेड एंड बटर को हम सिंगल कंसीडर कर रहे थे, नीचे इसको हम प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं। क्यों, आप देखें ऊपर जो था ना, ऊपर ब्रेड एंड बटर आप डिश की बात कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर की आप डिश की बात कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर डिश की बात कर रहे हैं खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे नीचे ब्रेड एंड बटर के दोनों को क्या कर रहा है, उनकी प्रोडक्शन के वाले से बात कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर आपके दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है जी। वो ब्रेड कहाँ से बनती है और बटर कहाँ से बनता है, दोनों दोनों के सोर्स जो है ना वो मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे इसको हम बतौर प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और आगे हम आर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने कुछ एक्सेप्शनल केसेज होते हैं, ये आपने सिर्फ याद करते जाना है, यही आपके क्वेश्चन बार बार बन रहते हैं। उसके बाद आपके पास है जी यूज़ ऑफ आर्टिकल एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप पोजेसिव एडजेक्टिव या आप क्या करते हैं आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो तब आपके पास क्या रूल्स होंगे, रूल आपके पास क्या है जी, देखें जी आपके पास है जी आर्टिकल पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन एंड प्लस सिंगुलर नाउन इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, ठीक है जी। आपके पास है कोई भी आप पोजेसिव एडजेक्टिव का सिंगुलर नाउन और दूसरा सिंगुलर नाउन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास ये वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। और उसके बाद आप पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन एंड आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन तो फिर आपके पास क्या जी प्लूरल वर्ब हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। अब ये फार्मूला शायद आपको समझ ना आ रहा हो, नीचे एग्जांपल करते हैं तो आपको इस फार्मूले की समझ आ जाएगी। क्या जी आपके पास देखें जी द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर आर कमिंग, ये गलत है, द प्रिंसिपल एक बंदा एंड डायरेक्टर आर कमिंग, ये गलत है। क्यों, आप यहाँ पे देखें, आप देखें ये आपके पास पीछे प्रिंसिपल था ना, प्रिंसिपल के साथ आपने आर्टिकल का यूज़ किया और डायरेक्टर के साथ आपने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। जब आप दोनों जब एंड के साथ दो चीज़ों को मिलाना है ना, ठीक है, ये यही बात ऊपर आपको बता के हूँ, अब ये आपको फार्मूला समझ आएगी। अगर आपके पास एंड जो है ना, एंड आपके पास जो है ना जो कंजंक्शन है, इसके दोनों तरफ जो दो चीज़ें लिखी हुई हैं दोनों के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, तो फिर आप यहाँ पे आर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ए के साथ एडजेक्टिव आपका जो ना आर्टिकल लगा हुआ है, दा लगा हुआ है, लेकिन दूसरे के साथ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये दोनों बंदे एक ही बंदे का नाम है, प्रिंसिपल भी वही बंदा है और डायरेक्टर भी वही बंदा है, एक ही वक्त में दो पोस्टों पर काम कर रहा है, ठीक है जी। तो वो आप इसके इज कमिंग लगाएंगे, इज कमिंग लगाएंगे, ठीक है। आप मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉर्मूले की समझ पढ़ना आ जाएगी आपको, कि आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव मीन के माय वगैरह लगाओ और उपरा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन, ठीक है जी।
आर्टिकल और सिंगुलर नाउन, मीन के किसी सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो और प्लस आपके पास आगे सिर्फ सिंगुलर नाउन आ जाए तो आपने वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी है। अगर आपके पास पीछे आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन और एंड के बाद फिर आर्टिकल के साथ सिंगुलर नाउन आ जाए तो फिर आपने इसको क्या करना है, इसको अपने प्लूरल कंसीडर करना है। तो जैसे आपके पास है जी द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर इज कमिंग, अब ये गलत है। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर हो गया ना, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, अब ये दो बंदे मुख्तलिफ हो गए हैं, अब ये दो बंदे मुख्तलिफ हो गए हैं, अब ये आपके पास ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी, यहाँ पे इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है। उसके बाद माई मदर एंड एंड फ्रेंड आर काइंड, ये गलत है क्योंकि जो मेरी माँ है वही मेरी फ्रेंड है, आर नहीं यहाँ पे आएगा, इज आएगा। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। क्योंकि माई मदर ये पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है ना माई, तो फ्रेंड के साथ आपने कोई पजेसिव एडजेक्टिव या अपने को आर्टिकल यूज नहीं किया, इसका मतलब है जो माँ है वही आपकी फ्रेंड है, ठीक है जी। तो इस काइंड लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी माई मदर एंड माई फ्रेंड इज काइंड, ये गलत है। क्यों, आप देखें माई मदर एंड माई फ्रेंड, ये माई मदर के साथ भी पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है और माई फ्रेंड के साथ भी माई लगा हुआ है, फ्रेंड के साथ भी माई लगा हुआ है, तो अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हो गई हैं, ये दो मुख्तलिफ बंदे हो गए हैं, ठीक है, दो मुख्तलिफ बंदियाँ हो गई हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम आर लगाएंगे, हम क्या करेंगे आर लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस फार्मूले की आपको समझ आ गई होगी। अगली बात करते हैं जी, अब इसकी असाइनमेंट है जी द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वर नॉट प्रेजेंट टू द मीटिंग, ये गलत है कि दुरुस्त है, ये जरा चेक कीजिएगा, ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट आपके पास है जी यूज ऑफ बट, बट अगर आप यूज़ करते हैं ना, कहते थे नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नो वन बट, एवरी वन बट, तो उसके बाद लिखा था सिंगुलर या प्लूरल नाउन लगा हो तो आपने इसके जो सब्जेक्ट वर्ब है वो आपने सिंगुलर ही यूज़ करनी है, आपने क्या करनी है सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है जी। नथिंग बट, एवरी वन बट, और आपके पास जो ना जो आपके पास जो भी आ जाए ना, जो आपके पास है नो वन बट, नथिंग बट, एवरी थिंग बट, तो आपने उसके साथ क्या लगाना है, हमेशा उसकी वर्ब आपके पास सिंगुलर ही आएगी। नथिंग बट द ट्रीज वर देयर, ये गलत है। नथिंग बट द ट्री वाज देयर, वर नहीं आएगा वाज आएगा। नथिंग बट के बाद आपके पास हमेशा आपने सिंगुलर ही लगाना है। नथिंग बट द ट्रीज वाज देयर, ठीक है जी। ट्री हो या ट्रीज हो, जो कुछ मर्जी हो, नथिंग बट के बाद आपके पास वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने जो आपकी सब्जेक्ट जो आपकी वर्ब है वो आपकी सिंगुलर ही आएगी, आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, ठीक है जी। समझ आ गया जी। अब नथिंग बट माई ब्रदर हैव प्लान्ड फॉर द ट्रीट फॉर मी, ये आपकी असाइनमेंट है, चेक कीजिएगा आपको कि इसके साथ ये ठीक है कि गलत है, ठीक है जी। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ मैनी एंड मच, अब ये जो मैनी और मच है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो काफ़ी तरह पूछता है। ये जो आपके पास मैनी है ना, मैनी आपका होता है जी क्वान्टिटी के लिए, मैनी आपके पास होता है जी क्वान्टिटी के लिए, मैनी आपके पास होता है जी क्वांटिटी के लिए होता है, ठीक है जी। ये मैनी मीन के नंबर्स के वाले से, नंबर्स के वाले से, ठीक है जी। और ये आपके पास जो मच जो है ना, ये जो मच जो है, ये जो आपके पास मच है, मच आपके पास होता है ये जो चीज़ को हम मापने वगैरह के लिए, ठीक है जी। तो जहाँ पे आपके पास मैनी यूज़ होगा ना, तो मैनी आपके पास प्लूरल वर्ब लेता है और मच आपके पास सिंगुलर वर्ब लेता है, ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है जी। हमें लगता है कि मच भी आपके पास प्लूरल है और मैनी भी प्लूरल है, ऐसा नहीं है। मैनी आपके पास प्लूरल है और मच आपके पास सिंगुलर वर्ब लेता है। अब देखें मैनी आर अबाउट नंबर्स वाइल मच इज़ अबाउट क्वांटिटी, ठीक है जी। जो मैनी है ना, वो आपने नंबर्स के काउंटिंग के वाले से देखना होता है, और जो मच है वो आपने किसी भी चीज़ की क्वान्टिटी की उसकी मकदार के वाले से देखना होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन है और मच जो है ना आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर वर्ब लेता है और मैनी आपके पास प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है जी। ये बात आपने याद करनी है, देखें जी। और उसके बाद अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ या अ गुड ग्रेट मैनी वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास जो है ये सारे मैनी के इक्वल हैं। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर या गुड नंबर, ये सारे के सारे किसके बराबर हैं, मैनी के बराबर है। तो मैनी आपको पता क्या है जी, आप प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है जी। अ ग्रेट डील, अ गुड डील या अमाउंट ऑफ, ये सारे के सारे मच के बराबर होते हैं, तो मच आपको पता है सिंगुलर आपके पास वर्ब लेता है। मच प्लस सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर वर्ब लेता है। मैनी प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लेता है। मैनी और ए और एंड सिंगुलर के साथ फिर सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है जी। मैनी के बाद अगर आपके पास आर्टिकल यूज हो के सिंगुलर नाउन यूज होगा, फिर उसको हम सिंगुलर वर्ब देंगे। आप देखें जी मच स्टूडेंट्स आर ऑन लीव टूडे, ये गलत है। मच स्टूडेंट्स आर नहीं होगा, मैनी स्टूडेंट्स आएगा। स्टूडेंट के साथ हम मच नहीं लगा सकते क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को तोड़ना थोड़ा ही है, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी तो नहीं देखते बल्कि स्टूडेंट की हम गिनती करते हैं। तो मच नहीं आएगा बल्कि मैनी आएगा। मैनी सिस्टर, मैनी वाटर इज स्टोर इन द बॉटल, ये भी गलत है। जो पानी है ना, पानी के साथ मैनी नहीं आ सकता, पानी के साथ मच आएगा क्योंकि पानी की क्वांटिटी स्टोर होती है, ये उसकी उस पानी को गिना नहीं जा सकता। ये भी वो आपसे एरर पूछ लेता है वो, ठीक है जी। उसके बाद है जी
अ गुड मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, ठीक है जी। अ गुड मैनी स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या जी, गुड मैनी का क्या मतलब है, मैनी के ही आपके पास उसकी मीनिंग में आ रहा है, तो आप इसके पास हैव लगाएंगे, मीन्स किसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। हैज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, हैज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जी, अ गुड डील ऑफ बैंक आर क्लोज्ड टूडे। अ गुड डील, आपको पता है गुड डील जो है ना, यह मच के बराबर होता है, तो गुड डील जब लगाएंगे तो आपके पास ये रॉन्ग हो जाए। इसको आपने क्या करना है जी, इसको आप क्या करना है जी, इसका जी अ नंबर ऑफ बैंक्स, अ नंबर ऑफ बैंक्स लगाएंगे, क्योंकि जी आपके पास जो गुड डील जो है ना बैंक्स, क्योंकि आपको पता है बैंक को हम गिनते हैं ना, तो वो मैनी के इक्वल लगाना चाहिए, तो उसको अ नंबर ऑफ बैंक्स लगाएंगे, गुड डील हम नहीं लगाएंगे। ये मैनी और मैच का कंसेप्ट था, उसके एक्सेप्शन कैसे थे, द नंबर ऑफ क्राइम्स इन कराची हैज बीन इंक्रीज टूडे, ये आपके पास ठीक होता, अ नंबर ऑफ क्राइम्स इन कराची हैव बीन इंक्रीज टूडे, ठीक है जी। ये आपके पास ये एक्सेप्शन कैसे होते हैं, असाइनमेंट देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपने देखने गलत है कि ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पोर्शन और परसेंट, अगर किसी चीज़ का पोर्शन निकालना हो ना, आपका दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा या परसेंट किसी चीज़ की दी गई हो, ठीक है जी, उसके वाले से आपने क्या करना है, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, ठीक है जी, उसके बाद टेन परसेंट या 20%, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अलाट ऑफ, लाट्स ऑफ या हाफ ऑफ, ठीक है जी। तो ये आपके पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों की सेंस में आते हैं, कैसे आते हैं जी, ये एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। वन थर्ड ऑफ शुगर आर येट टू बी सोल्ड, ये आपके पास गलत है, वन थर्ड ऑफ शुगर, वन थर्ड ऑफ शुगर इज येट टू बी सोल्ड, ये इसको सिंगुलर लेंगे, वन थर्ड आपने क्या करना है, सिंगुलर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, वन थर्ड ऑफ वाटर आर येट टू बी ड्रंक, ये भी आपके पास गलत है, वन थर्ड ऑफ वाटर इज येट टू बी ड्रंक, ठीक है जी। वन थर्ड पानी का तीसरा हिस्सा जो होता है ना, वो आपके पास सिंगुलर होता है, ठीक है जी। वन थर्ड ऑफ गेस्ट हैज गोन, ये अब गलत है, अब ये वन थर्ड जब गेस्ट के वाले से आ रहा है, तो गेस्ट को हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, तो फिर वन थर्ड आपके पास प्लूरल आएगा। जिन चीज़ों को हमने तोलना होता है या मापना होता है, उनके साथ वन थर्ड, टू थर्ड या हाफ वगैरह होता है, वो आपके पास सिंगुलर होता है, और जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो हमारे पास प्लूरल होती हैं, जो प्लूरल की सेंस में आती हैं, ठीक है जी। असाइनमेंट आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास है एडिशन ऑफ नाउंस विद प्रपोजिशन, अगर आप प्रपोजिशन के साथ कोई नाउंस को ऐड करते हैं, ठीक है जी, नाउन, उसके बाद एज वेल, एज लॉन्ग, विद, ये सारे लगा के फिर आप नाउन ऐड करते हैं, ठीक है जी, तो या इसके कहते हैं नाउंस को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो फिर आपने क्या करना है, वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, वर्ब आपने फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज करनी है, ठीक है जी। अगर आप दो नाउन है ना, नाउन और प्लस नाउन, तो दरमियान में ये वाले जो नंबर, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इन वर्ड में से किसी एक वर्ड के साथ दो नाउन को आप इकट्ठा करते हैं, तो आपने वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज करनी है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, आयशा एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन, आप देखिए जो हैव जो है ना, हैव आना चाहिए आयशा के अकॉर्डिंग, आयशा आपके पास अकेली है, तो आयशा अकेली है, तो आपके पास हैज आना चाहिए, हैव नहीं आना चाहिए, ये गलती उसमें होगी। द पोलिटिकल लीडर एज वेल एज हीज फॉलोअर्स आर करप्ट, ये गलत आएगा, क्या करेंगे आपने जो एज वेल एज के साथ ये पोलिटिकल लीडर एज वेल एज हीज फॉलोअर्स, ये दो नाउन्स आपने आपस में मिलाए हुए हैं एज वेल एज के जरिए, लेकिन आपने जो आपकी वर्ब है वो पहले वाले आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी है, तो इसमें यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, ऑल द पीपल लिविंग इन द हाउस इंक्लूडिंग द सर्वेंट वाज प्रेजेंट द पार्टी, ये गलत है, ठीक है। आप देखें ना, ऑल द पीपल पहले आया ना, तो जो पहले आपके पास आया वो आपके पास प्लूरल था, तो आपने पास ना आप इसको अपने क्या करना था, वार लगाना था, वाज नहीं लगाना था। तो ये भी फार्मूला मेरे ख्याल में आपके समझ में आ गया होगा कि आपने जब दो नाउन को आपने जमा करना होता है, तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपने वर्ब को यूज़ करना होता है, ये आपके पास असाइनमेंट में नीचे लिखी हुई है। उसके बाद आपके पास यूज़ ऑफ मोर देन, जब हम मोर देन का यूज़ करते हैं, मोर देन वन और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, मोर देन टू थ्री तो प्लूरल नाउन लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है जी। मोर देन और उसके बाद आप प्लूरल नाउन, देन वन और फिर आपके पास प्लूरल वर्ब ही आएगी, ठीक है जी। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, मोर देन वन बॉयज वर एबसेंट, ये गलत है, ठीक है जी। मोर देन वन बॉयज, आप देखें ना, आपके पास है मोर देन के साथ वन लगा हो ना, ठीक है जी, आगे बॉयज है, तो फिर आप क्या करेंगे इसको, आप क्या करेंगे, वाज एबसेंट करेंगे। मोर देन वन बॉयज, तो आपने क्या करना है, मोर देन वन के साथ बॉयज आया तो आपके पास इसको आपने सिंगुलर लेना है, उसको आपने प्लूरल नहीं लेना, तो वाज लगाएंगे, वार नहीं लगाएंगे। मोर बॉयज देन वन वाज प्रेजेंट, ये गलत है, ठीक है जी। मोर बॉयज देन बाद में आया ना, ठीक है जी। मोर मोर बॉयज देन वन वाज प्रेजेंट, ये गलत है, ठीक है जी। मोर बॉयज देन वन वर प्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है जी। आपने पहले वाले को देखना होता है, पहले वाले को देखना होता है, मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद यूज ऑफ वन ऑफ, वन ऑफ का जब आ जाए ना, वन ऑफ उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है जी। और वन ऑफ के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, फिर आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे।
अब इसको कैसे करना है, जिसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू इंग्लैंड, ये गलत है। इसको आपने वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू, ये वन ऑफ आ गया ना, तो वन आपके पास सिंगुलर है, ठीक है जी। आगे जो मर्जी आता फिर बॉयज आता फिर बॉयज आपको ज्यादा लग रहे हैं, हालांकि जो पीछे आपने वन को देखना है तो वन ऑफ के ये आपके पास सिंगुलर है, तो आपने आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। उसके बाद आ जी वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू इंग्लैंड, ठीक है, इज लगाएंगे, आपने आर इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद अली इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, अली इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ये गलत है। अली इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आएगा, अली इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, क्या मीन के आपने सारे दोस्तों में से किसी एक बंदे को आपने लगाना है ना, तो उसमें से आपने चूज करना है, तो ज्यादा दोस्तों में से वन ऑफ को आप जो अली को हम उसको चूज करेंगे, ठीक है जी। ये असाइनमेंट्स आपने देख लेनी है। उसके बाद आपके पास है जी ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है जी। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन आ जाए, फिर आपने क्या करना है, ईच एवरी आइदर नाइदर का सिंगुलर नाउन हो तो आप इसका सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ईच आइदर नाइदर के साथ प्लूरल नाउन आ जाए तो फिर भी आपने सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, ठीक है जी। उसके बाद ईच आर या नाइदर नार के साथ आपने कैसे यूज करना है वो आपको एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। वो आपके पास क्या है जी, ईच बॉय हैज आ पेन, ये पास दुरुस्त है। ईच बॉयज हैज आ पेन, ये आपके पास रॉन्ग है, ठीक है। ईच के साथ आपने क्या करना है, हमेशा आपने उसको सिंगुलर ही लगाना है, ठीक है जी। ईच बॉयज हैज नहीं, ईच बॉय हैज, ठीक है जी। आइदर ऑफ टू बॉयज हैज अ पेन, ठीक है जी। हैज हैज आप जब देखें ना, आप टू बॉयज समझ के इसको हैव नहीं कर देना, हैज लगाना है, ठीक है जी, समझ आ गई है। आइदर ऑफ टेन बॉयज हैव अ पेन, ये गलत है, हैज आएगा, ठीक है जी। आइदर के पीछे लगा हुआ तो वो क्या जी, आपका सिंगुलर ही आपकी वर्ब आएगी, ठीक है जी। द बॉयज ईच आर गोइंग टू द जू, ठीक है जी। द बॉयज ईच आर गोइंग टू द जू, आप द बॉयज पहले आएगा, ईच बाद में आया, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, इसको आप प्लूरल वर्ब देंगे, ठीक है जी। द बॉयज ईच इज गोइंग टू जू, ये आपके पास गलत है। आइदर ही आर आई एम राइट, आप देखें आइदर आर या नाइदर नार जो होता है ना, आइदर आर वो या मैं, ठीक है ना, वो ना मैं, इस तरह की जो सेंस होती है। आइदर ही आर आई, अब ये जो इसके साथ आपने पास जो वर्ब लगानी होती है ना, ये आपने लगाना है जो 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 वर्ब के करीब तरीन है, जो ये बात क्लियर कर लेनी है। पीछे सारा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट देखनी है। अब आइदर आर या नाइदर नार जो है ना, आइदर आर या नाइदर नार, इसमें आपने देखना होता है कि आपके पास आर के करीब तरीन कौन है, आर के करीब तरीन कौन है, मीन के जो आपके जो आपने वर्ब आपने यूज करनी है उस वर्ब के करीब कौन है। अब जब देखें आइदर ही आर आई, अब ही और आई दो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, हमने ये जो आई देखना है कि आई एम के करीब कौन है, आई है तो हम यहाँ पे एम लगाएंगे, आई के बाद वर्ब लगानी थी ना, तो हम आई इज नहीं लगाएंगे, आइदर ही क्योंकि ही के लिए तो इज आता है ना, तो हमने आई को देखना जो जो वर्ब के करीब है, ठीक है जी। आइदर ही और आई इज लगाएंगे, ये आपके पास गलत आ जाएगा। नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द फंक्शन, ये करेक्ट है। आप देखें नाइदर द टीचर ये आपके पास सिंगुलर था, नार द स्टूडेंट्स आपके पास प्लूरल था। अब हमने यहाँ पे इज और आर का फैसला करना था, तो हमने देखना है यहाँ पे ये जो खाली जगह इज और आर की, इसके करीब कौन है, इसके करीब स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो हम आर लगा देंगे, टीचर की वजह से हम इज नहीं लगाएंगे क्योंकि टीचर हमारा एक है, ठीक है जी। ये नीचे आपके पास असाइनमेंट्स कुछ लिखी हुई हैं, ये आप देखिएगा, अगर आप ये असाइनमेंट्स कवर कर जाते हो तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो सब्जेक्ट है, जो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक जो है ना, ये आपने जस्ट इनके फार्मूला याद करने हैं, ठीक है जी। फार्मूले आपने जो मैंने ये आपको बना के दिए हुए हैं ना, ये फार्मूले ही आपने याद करने हैं, तो साथ उसके एग्जाम्पल साथ को समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।